Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum hain Fortescue shopping mall mein, jo ki bahut pyara mall hai. Yahan ki lights bahut achhi hain aur aap dekh sakte hain collection to brands ki yahan pe betahasha hain. It's a very good place for shopping, even for funland. Jo chote bacche hain unke liye badi zabardast kisam ka jo hai wo proper ek funland bana hua hai, जहाँ पे जमाएँ जो हैं वो शॉपिंग कर रही होती हैं तो बच्चों को जो है वो फनलैंड में छोड़ देती हैं ताकि जो बच्चे हैं वो वहाँ पे खेलते रहें और वो आराम से शॉपिंग कर लें. खैर, हम लोग तो करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम बूझो तो चीतो, जिसमें हम आपका छुपा हुआ टैलेंट जो है वो लेकर आएंगे स्क्रीन पर, लोगों को देंगे बहुत सारे इनाम लाहौर न्यूज़ की तरफ से. तो आए लोगों से बातें करते हैं और हम ये भी देखेंगे कि आज का टैलेंट ऑफ द डे कौन सा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. का नाम? खनसा. आदिल. क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में होता हूँ, सिविल आर्मी में. नाइस. और आप? मैं हाउसवाइफ. चलिए जी, मुझे बताएं रिसर्च के मुताबिक मर्द और औरत में से कौन ज्यादा झूठ बोलता है? मर्द. मर्दी. वाओ, क्लैपिंग करें, दोनों ने सही जवाब दिया. अच्छा बताएं, ये झूठ बोलते हैं? कभी कभी. कभी कभी कौन सी ऐसी वजह होती है कि झूठ बोल लेते हैं? जब अपने फ्रेंड के साथ होते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि कहाँ पर हो, तो तब झूठ बोल देते हैं. अच्छा, क्यों बोलते हैं? मतलब ये काफ़ी मतलब इस गुस्से में आ जाती है जब मैं कहता हूँ मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ हूँ, तो इस वजह से वो गुस्सा करती है इस बात पर कि मेरे साथ क्यों नहीं है. बाहर फ्रेंड्स वगैरह के साथ आप आउटिंग पे जाते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं जाते हैं? इसी वजह से ज़्यादातर गुस्से में आ जाते हैं. सही करती हैं गुस्सा. चले जी, क्या शेयर करेंगे आप? मैं रेसिपी शेयर करूँगी. मैं पोटैटो पफ की रेसिपी शेयर करूँगी. उसमें आपको पोटैटो चाहिए, हाफ के जी पोटैटो, 2 eggs और मैदा चाहिए और बटर चाहिए. फ्राई पैन में आपने ले लेना है 100 ग्राम बटर ले लेना है और उसमें डाल देने एग मैदा सॉरी और उसको अच्छे तरीके से जब वो मेल्ट हो जाए बटर तो उसमें मैदा डाल देना है और पोटैटो को मैश करके उसमें एग्स डाल देने हैं और वो जो मटेरियल है मैदे उसका, बटर का और मैदे का, वो उसमें डाल देने हैं और ऐड करके अच्छी तरीके से मैश कर लेने हैं और उसके बॉल्स बना के तो उसको फ्राई कर लेने. वेरी नाइस. सर आप? मैं शेर बोलूँगा एक, बशर गुलामी करे बशर की किसी भी सूरत रवा नहीं, हमारे आका का है फरमा बशर बशर खुदा नहीं. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक जी. बहुत प्यारा कपल था, लड़की बहुत क्यूट थी और मुझे क्योंकि गोल गोल चिक्स जो हैं वो पसंद हैं, सो किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? हुमा शहजाद. नाम बताओ. इंशरा. क्या नाम? इंशरा. इंशरा, बड़ा प्यारा नाम है. क्या मतलब है नाम का? खुशी. किसे रखा नाम? मैंने और उसके बाबा ने. अच्छा, ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है. आपकी बहन है यार. अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 30. ठीक है. चलो बेटा जी, सामने देखो, मुझे बता दें आपसे मेरा सवाल है कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी अपनी आर्मी नहीं है लेकिन वो सबसे ज्यादा पीसफुल है? आई डोंट नो. क्या सुना होगी बेटा पोइम? ट्विंकल 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 लिटल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. Up above you were so high, like a diamond in the sky. Very nice. Sir, आप? मैं जर्दे की रेसिपी शेयर करूँगी. पहले आप राइस को बॉयल कर लें, फिर आप घी के अंदर थोड़ी सी इलायचियाँ डालें और उनको फ्राई करें और थोड़ा सा चीनी डालें उसके अंदर और दूध डाल के पकाएं और फिर उसके अंदर राइस डाल दें और उनको पका लें, फिर उसके ऊपर जर्दा रंग डालें और मेवे डाल के दम पे रख दें और बहुत अच्छा जर्दा तैयार हो जाएगा. जबरदस्त. लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट. शुक्रिया जी. बहुत ही क्यूट सी फैमिली थी और वो लग ही नहीं रहा था कि उसकी मम्मा है. खैर, मजा आया, किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? रिमशा. अबीरा. ओके जी, कौन सी क्लास में आप? मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर में. 6 प्रेप. प्रैप में. ओके, चले जी, मुझे बताएं पढ़ाई के अलावा आप क्या करती हैं? पढ़ाई के अलावा मैं इनको टीच करती हूँ, कज़न्स है और मैं इन्हें टीच करती हूँ. ओके, आपकी उम्र क्या है? 20. अच्छा, लोग आपको कहते हैं कि आप छोटी लगती हैं? हाँ जी, ये तो सुनना पड़ता है कि आप बहुत छोटी लगती हैं. अच्छा लगता है, बुरा लगता है?
समटाइम्स बुरा भी लगता है, लेकिन इट्स नॉट माई फॉल्ट और माई पर अच्छा लगना चाहिए लड़कियों को कि छोटे लगते हैं, अच्छा लगता है, अच्छी बात फील होता है, कॉम्प्लीमेंट है बिल्कुल। चले जी सवाल करते हैं, ये आपके कजन हैं राइट? यस। ओके साथ रहते हैं? यस। ओके दोनों में से ज़्यादा शरारती कौन है? अरहम। अरहम ओके। गुम है अपनी शरारतों में। ओके चले मुझे बताएं दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? नहीं। चले आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रही हैं तो मैं आपसे इंग्लिश का सवाल करूं? यस। yes. मुझे बताएं रोटी बना लेती हैं? नहीं। खाती हैं? हाँ जी। बनाते देखे कभी अम्मा को? हाँ जी। जो चिमटा होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिमटा नहीं पता। ओ, 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 कोई बात नहीं, क्या शेयर करोगी? सॉन्ग सुनाऊंगी। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, इन्नू इश्क रले डूबा। थैंक यू। बोल गई? कोई नहीं। और आप क्या शेयर करोगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। और हम आप कुछ सुनाएंगे? स्माइल की थी प्यारी है माशाल्लाह। लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू जी। क्यूट सी बच्ची थी और उसे बताया कि वो मास्टर्स में है और मुझे लगा शायद 9th और 10th क्लास में होगी। खैर ये भी एक कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप उम्र में छोटे लगो, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है। वैसे मैं खुद भी छोटी हूँ लेकिन अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असीम शाह। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हो? आर्ट्स। आर्ट्स। ओके प्लीज़ सामने देखो, मुझे बताओ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? क्या चीज़? दुनिया की सबसे पहली सेल्फी किसने ली थी? दुनिया की इमरान खान आई थिंक। नो याद आ रहा कुछ। अरे इमरान खान कहाँ से आ गया? नहीं क्या सुनाओगे? ये लो। टूटे हैं इस तरह दिल आवाज तक ना आए, टूटे हैं इस तरह दिल आवाज तक ना आए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। गुड। ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी एक सॉन्ग सुना हमने, जवाब बहुत फनी था। इमरान खान ने पहली सेल्फी नहीं ली थी, बिल्कुल भी नहीं रही थी। किसी और से बात करते हैं। अच्छा हमने कहा नाम है? हाजरा। जैनब। अब्दुल्ला। ममीरा। तिजरियात। और बेबी का नाम? सफ़ा। क्या करते हो? एजुकेशन पढ़ती हूँ, स्टूडेंट हूँ। और ये आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ। क्या रिश्ता आप दोनों का? कज़न। कज़न हो। चलो जी मुझे बताओ दुनिया में सबसे बड़ी आंखें किस जानवर की हैं? आपने देखा होगा इतना कोई नहीं है सी। लाइन। लाइन की तो छोटी छोटी होती है। एलिफेंट की हों। एलिफेंट की बहुत छोटी होती है। नहीं क्रोकोडाइल। नहीं क्रोकोडाइल की भी छोटी मुन्नी होती है। जानवर बोला। आप सामने देखो ना बेटा, आप बताओ। कोई गल नहीं, क्या सुनाएंगी जी? क्या शेयर करेंगी? पॉइंट सुनाएगा ये। आप क्या शेयर? ब्यूटी टिप, हेयर ग्रोथ के लिए नारियल कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को मिक्स करके रात को लगाएं तो बाल बहुत अच्छे होंगे। ओके और आपने क्या सुनाना है? पॉइंट। ट्विंकल ट्विंकल डियर स्टार, हाउ आई वंट टू वंट टू आर, व्हाट आई द व्हाट सो हाई, लाइक द डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए।
ایک فیملی تھی ان سے ہم نے باتیں کی کسی اور سے بات کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عشا ماہد. کون سی کلاس؟ پری نائنتھ. فرسٹ ایئر. فرسٹ ایئر. اوکے, مجھے بتاؤ میک اپ خود کیا؟ شوق ہے؟ اچھا کیا. اچھا جی, دونوں لڑتے ہو؟ بہت زیادہ. کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے؟ ویسے ہی تنگ کرتا ہے مجھے. کیوں تنگ کرتے ہو آپ بھی کو؟ ویسے مجھے بھی تنگ کرتی ہے. اچھا کیسے تنگ کرتی ہیں؟ مارتی ہیں. ارے مارتی ہو, بچے پہ ظلم کرتی ہو, اور آپ مارتے ہو؟ نہیں. گڈ بائے. چلو جی, مجھے بتاؤ وہ کون سا جاندار ہے جتنا اس کا ویٹ ہے اتنا وہ کھانا کھاتا ہے مگر پھر بھی بھوکا رہتا ہے؟ ایلیفینٹ. بیٹا وہ اپنے ویٹ کے جتنا کھانا کھاتا ہے. ایلیفینٹ تو اتنا کھانا نہیں کھا سکتا نا. سا کوئی جاندار ہی نہیں ہے. ہے. اور آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ضرور ہوگا. نو آئیڈیا. کیا شیئر کرو گے؟ شیئر سنا دوں. یوں ہی نہیں بن جاتا کوئی شاعر اس دنیا میں, در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اسی خطاب کو پانے کے لیے. واقعی ویری نائس. کلاپنگ ہوئی. کلاپنگ کرو آپ کے لیے. اور آپ نے کیا شیئر کرنا؟ میں میسج دینا چاہتی ہوں. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بولتا سچ کبھی کبھی. اچھا خود نہیں بولتے ہیں اور میسج لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹ. تھینک یو جی. بہت پیارے بہن بھائی تھے اور لڑکی بہت انٹیلیجنٹ تھی کہ اس نے یہ پوئٹری خود لکھی ہے. ویری نائس. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سید عمر. اوکے, پلیز سامنے دیکھیں, کیا کرتے ہیں آپ؟ جاب. کیا جاب؟ سیلز مین. سیلز مین. ہو گڈ. آئیز لینس ہیں یا اپنی؟ ریئل. واو ویری نائس. کس پر گئی ہیں؟ ماما پہ. ماما پہ گئی ہیں. چلو جی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتا دو کہ سب سے لمبی چھلانگ جمپ کس جانور کی ہے؟ کینگرو. کینگرو. پکا؟ جی. رائٹ آنسر. کلاپنگ کرو اپنے لیے. کیا سناؤ؟ پوئٹری. اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق محبت, بے درد سے لوگ ہیں نہ جانے کب دل توڑ دیں. یہ لو لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے کیا. یو ویلکم جی. بڑا ایک درد والا جو ہے وہ ہم نے شیر سنا. اچھا لگتا ہے, امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فراز علی. آپ کا نام؟ شعیب حسن. کیا کرتے ہو؟ جی اسٹڈی. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سول انجینئر. اوکے, مجھے بتاؤ سب سے بڑی آنکھیں کس جانور کی ہوتی ہیں؟ کس جانور کی ہوتی ہے؟ مگرمچھ. مچھی. اچھا جی, آپ دونوں دوست ہیں؟ کزن ہیں. کزن ہیں. کون بڑا؟ اچھا, ان کی ایک اچھی اور ایک بری عادت بتاؤ. یہ اس میں ہماری زیادہ انٹریکشن نہیں ہے تو. یہاں پہ کیسے اکٹھے آ گئے پھر؟ بس میں ادھر لاہور آیا ہوا تھا تو میں نے آیا. اچھا آپ ان کی بتا دو. بس نائس ہیں اور فرینڈلی ہیں. بری عادت؟ بری عادت اس طرح کی غور نہیں کیا. آپ ہیں بھی کہہ رہے کوئی آئی نہیں. چلے جی, کیا شیئر کرنا ہے؟ شعر سنا دیتا ہوں. آتا ہے تیرے پیار میں مر مٹنا, لیکن بعد اپنے جو تجھے دیکھوں تو ڈر لگتا ہے. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے جی. ایک انہوں نے شعر سنایا, اچھا شعر تھا. اچھا اہم ہی اکثر لوگ کہیں ہم میں تو کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو کیسے پتا ہمیں برائی ہے نہیں برائی. سو اس لیے اگلے کو جج کرنے دیا کریں. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ؟ ہنا مشتاق. آپ کا نام؟ نعمان مصطفیٰ. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جاب کرتا ہوں. میں بھی جاب ہی کرتی ہوں. آپ کا ریلیشن؟ ہم میاں بیوی ہیں. میاں بیوی ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ شادی کو آلموسٹ ون ایئر. ون ایئر ہوا ہے. اوکے, ان کی ایک سب سے اچھی عادت بتائیں. ان کو غصہ نہیں آتا. اور ایک بری عادت؟ بری عادت ایک منٹ سوچنے دے. ہاں ہاں, ٹیک یور ٹائم, تب تک آپ بھی سوچ لیں, اس کے بعد آپ کی باری ہے. آئی تھنک اس کی کوئی بری عادت ہے ہی نہیں. واہ, آپ بتا دیں. کیا اچھی عادت ان کی؟ ان کی اچھی عادت ہے کہ یہ مطلب خرچ کھلا کرتے ہیں, بالکل کسی چیز میں نہیں رکاوٹ نہیں مطلب. چلو یہ تو فائدہ ہے پھر آپ کا. بری عادت؟ بری عادت کا غصہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں. غصہ کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں غصہ؟ کبھی 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 کبھار آ ہی جاتا ہے. کن باتوں پہ غصہ آتا ہے؟ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. فار ایگزامپل
फॉर एग्जांपल ले अपना कपड़े प्रेस करने को लेट हो जाए तो इस वजह से उस ओके। और खाना पे तो नहीं आता जी, खाना सही ना बनाया हो? खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती है। फरमाइशें करते हैं जी? ज़रूर। चलें गुड हो गया, सवाल करते हैं आपसे ठीक है। मुझे बताएं कि दुनिया में वो क्या चीज़ है जो हम लाइक पैदा होते हैं उसके बाद हमें मिलती है? उसके बाद हमें मिलती है जिंदगी? नहीं, वो तो साथ ही होती है ना, लाइक जैसे आंखें कान सब कुछ है, एक बॉडी पार्ट है जो मरने के बाद मिलता है और रह भी जाता है। बाल। क्यों? जब पैदा होते हैं। रूह? रूह रूह नहीं, रूह क्यों पैदा होते हैं? साथ रूह होती है कि बाद में होती है? ओके जी ये लें। चलिए पुलाव की रेसिपी मैं बताती हूँ कि सबसे पहले उसमें आपने प्याज को डालना है घी में, प्याज को भून के इसी तरह से उसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक वो सब कुछ डाल के उसको अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें गोश्त या जो चीज़ आपने डालनी है उसमें आलू वो डाल के उसको अच्छी तरह से भून के सारे मसाले उसमें डालने हैं, नमक मिर्च, और उसके बाद उसमें जितने चावल हैं उसे डबल पानी डालना है, पानी जब बॉयल हो रहा होगा फिर उसमें चावल डालने हैं, फिर चावलों को दम पे देना है जब पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए, फिर 20 सेकंड दम देने के बाद आपके चावल रेडी हो जाएंगे। वेरी नाइस, इसका जवाब जाके सोचिएगा ठीक है। और न्यूज़ की तरफ से आपके मैं बता दूँ दांत जी, मैंने इसलिए इनको बताया क्योंकि ये ऐसे ऐसे अजीब अजीब सी शक्लें बनाए थे कि आखिर वो क्या चीज़ है, तो मैंने कहा बता दूँ, ऐ भी अपना सर छुपाएंगे। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सदा सेवर ब्रेक।